तो हेलो दोस्तों, फिर मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। जो कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वार्म अप कर लिया है बैक का। तो हम सीधा वर्कआउट करते हैं। ये लगा लिया मैंने वेट, जो कि आप देख सकते हैं इतना वेट लगाया, और मुझे काफ़ी अच्छे से वर्कआउट करना है जो कि पूरा बॉडी एकदम फट के बाहर आ जाए बैक की। तो देख सकते हैं एक्सरसाइज का लेग पुल डाउन, तो हम इसको नाइस एंड स्लो करेंगे। इसके मैं जितना आराम आराम कर पाएंगे ना, वही हमें ज़्यादा अच्छा फील देगा। तो गाइस देख सकते हैं, ऐसा करना है आपको। जो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी ना, वो एकदम ओरिजिनल मिलेगी, क्योंकि देख सकते हैं मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। और कितना ये देख सकते हैं, ये जो वेट दिखा रहा है आपको, दिख रहा है वेट आपको, तो ये पता है मैंने कैमरा अपना खुद सेट करना पड़ता। अभी देखिए मेरा ये तीसरा एक्सरसाइज है, मतलब इसी का तीसरा सेट है। अभी देख सकते कंटिन्यू कर रहे हैं, मैंने अपना वर्कआउट भी करते हैं, कैमरा भी, मतलब मुझे सेट करना पड़ता है। अकेले वर्कआउट करने में ये दिक्कतें काफ़ी होती हैं। तो देख सकते हैं, इसके बाद मैंने लास्ट जो सेट रहा मेरा, तो कुछ इस प्रकार रहा, जो कि हम फेलियर तक गए थे लास्ट में। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बैक जो देख रहे बी शेप निकल के आ रही वाइट में, और बिल्कुल हम थक चुके हैं आप देख सकते हैं, जो कि हम आराम से अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। इसके मैंने चार सेट लिए थे टोटल, और 8 से 12 रेप तो निकालने हैं कैसे भी करके। तो फिर आप चलते हैं, हम अपना जो कि है अपना कैमरा मैंने उठाया। इसके बाद मैंने दूसरी पोजीशन पे सेट किया, जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं मैं गया हूँ। तो इस आइसोलेट पुल डाउन है ये, जो इसको मैं अपने जो ये देख रहे छोटी सी बार है, इसको मैं बाहर से पकड़ेंगे। ये जो जो ग्रिप रहेगी ना, बिल्कुल मेरी क्लोज रहेगी, और मुझे बैठ के आराम आराम बिल्कुल धीमे धीमे वर्कआउट करना है। जो कि जो बैक का जो पीछे का जो पार्ट होता है, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। इसके भी चार सेट लेने हैं, 8 से 12 रेप देख सकते हैं। और जो कैमरा की जो सेटिंग करते हैं ना, हम अकेले वीडियो बनाते तो ऐसे ही करना पड़ता है। अब बैक का पीछे का जो पार्ट है दिखेगा आपको, ये जो चीज़ है जो रेड रेड के अंदर है, जो यही चीज़ निकल के बाहर आएगी। भाई साहब इतनी गदर लगती ना, जब आप बनियान पहनते हैं तो पीछे का जो दिखता है ना पार्ट, वही बोलते हैं भाई यार ये मुझे अच्छा पंप आपको देखने को मिल रहा है यार, तो ऐसी भी मुझे चाहिए। तो गाइस हम इसको फिर, इसके भी मैंने पूरे चार सेट लिए हैं, ठीक है गाइस। तो इसके बाद मैंने अपनी बॉडी को चेक करने के पास शीशे के पास गया, जो कि देख सकते हैं आप, तो काफ़ी मुझे अच्छा और अच्छा फील हो रहा था। इसके बाद मैंने फिर गया दूसरी सर तीसरी एक्सरसाइज के बाद, ये है इंक्लाइन डंबल रो, जो कि मैंने इस पोजीशन पे इसको परफॉर्म करना है। आप देख सकते हैं जो कि मेरे हाथ है ना, बिल्कुल नीचे जाने हैं। इसके बाद स्ट्रेट हमको सीधा यूजना है, जो कि पूरी ओवरऑल बैक को पूरा सपोर्ट करती है, पूरा बैक टारगेट करती है। और इसमें इसके भी चार सेट लेने हैं, 8 से 12 रेप लगाने हैं। जो कि जो मैंने एक्सरसाइज का सिस्टम रखा है ना, जो मैंने 3 एक्सरसाइज की हैं, और तीनों का मतलब रिजल्ट मुझे यही चाहिए बस। और इसके बाद आप देख सकते कटिंग जो देख सकते हैं ना, जो साइड में कटिंग होती है निकल के बाहर आने वाली गाइस। तो ये जो भाई वर्कआउट करना तो बहुत सरल है, लेकिन जो कैमरा के साथ साथ वीडियो बनाते हैं तो बड़ा दिक्कत होती, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, कहाँ सेट करें, कौन से एंगल पर सेट करें, कौन सही आएगा कौन नहीं आएगा। तो इसके बाद मैंने अपनी सीट पूछी, इसके बाद मैंने कैमरा अपना साइड में किया। तो गाइस ये 3 एक्सरसाइज हैं बस, इसके चार सेट लगाने हैं, फट के बाहर आएगी गारंटी के साथ। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे गाइस।